अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं क्रिप्टो मार्केट से मौसूल होती हुई हमें ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बिटकॉइन की क्या सूरत हाल रह सकती है, ताकि हम उसकी कंडीशंस को फॉलो करके कुछ ऐसे कॉइन में ट्रेड ले सकें जो अकॉर्डिंग टू द मार्केट हमें अच्छी ट्रेड दे रहे होते हैं, ताकि हम अपना मार्केट में रहने का जो असल मकसद है यानी कि गेन करना, एक अच्छा पैसिव इनकम, हम उसे भी पूरा कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं टेरा लूना 2 और टेरा लूना 1 यानी कि ओल्ड क्लासिक के बारे में, कि उसके ओनर्स की इस वक्त फर्स्ट टेरा लूना को लेकर क्या स्टेटमेंट देखने को आई है, क्या उसके बाद टेरा लूना 1 का यानी कि जिसे आप लूनेक भी कह सकते हैं, क्लासिक भी कह सकते हैं, ओल्ड भी, उसका क्या मुस्तकबिल होगा, वो खुल के अब सामने आने वाला है। तो वीडियो का फिलहाल एक पार्ट भी मिस ना कीजिएगा ताकि आप इस वीडियो से असल फ़ायदा उठा सकें। बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ दोस्तों। सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले दिनों में हमारी किसी भी वीडियो का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो तो चैनल के बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। आगाज़ करते हैं दोस्तों सरमायाकारी से। तो सरमायाकारी में एक मरतबा फिर से $25 बिलियन की कमी हो चुकी है और इंक्रीज़ जो 5% तक जा चुका था वो 2.58% रह गया है। यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं इस वक्त BTC डोमिनेंस को, तो डोमिनेंस में दोस्तों इस वक्त हमें 0.3% की कमी आती दिखाई दे रही है, जो इतनी बुरी तो नहीं है दोस्तों, लेकिन बेनिफिट देगी मार्केट को। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि बिटकॉइन के प्राइस में कल रात से लेकर अब तक कितनी कमी हुई है। तो बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी तक $900 की कमी हो चुकी है। इसका इम्पैक्ट आल्ट कॉइन पर इतना कुछ ज़्यादा देखने को नहीं आ रहा, लेकिन इथेरियम अपने प्राइस में $55 की कमी कर चुका है। अगर हम एक घंटा पहले देखें तो ये 1790 तक जा चुका था, लेकिन अब मार्केट थोड़ा सा जैसे जैसे दिन का आगाज़ बढ़ता चला जा रहा है, वर्किंग आवर्स होते हैं तो उसमें ट्रेड भी हमें कुछ अच्छी देखने को मिल रही है। टीथर की बात करना चाहूँगा आज के दिन में दोस्तों, कि टीथर की पोजीशन पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर हो चुकी है और कल का दिन जिस तरह ही मार्केट में मगालता आराइयाँ थी वो आज दम तोड़ चुकी हैं टोटली। कल BNB को लेकर हमारी कम्युनिटी में जो तूफान बरपा था वो थम चुका है। अभी BNB अपनी तमाम रूटीन पर आ चुका है, जितना मार्केट में क्रैश है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसने हमें फ़ायदा दिया है। और अच्छी चीज़ ये है जो मैं रूटीन में आप दोस्तों से शेयर करता हूँ दोस्तों, के सनसनी पे बिलीव मत किया करें, न्यूज़ पे यकीन किया करें और सब्र किया करें हमारी तब तक वीडियो आने का जब तक हम तस्दीक नहीं कर लेते उस खबर का जिसको लेकर मार्केट में एक तूफान बरपा हो जाता है। लिहाजा कल के दिन BNB को लेकर जितने भी घटिया लोग हैं उन्होंने सनसनी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इवन के कुछ घटिया लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो अब बायनास के पीछे पड़ चुके हैं। लिहाजा सारा कुछ दोस्तों अल्लाह ताला के इख्तियार है, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप अगर बदनाम करने की ठान लेते हैं अपनी जाती गर्ज की खातर तो आपके मुंह पे उल्टी लानत ही पड़ती है। इस बात को लेकर कि किसी को नुकसान देने का मतलब है आप इन्वेस्टर को और अपने मुल्क की गरीब आवाम को परेशान करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे जब ये खबर जो है मज़ीद बिगड़ती चली जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं कि सोलाना के प्राइस में अगर हम देखें तो इस वक्त सिर्फ कमी ही कमी है, कोई पंप देखने को नहीं मिल रहा। 70 सेंट की कमी हुई है, उसके बाद शिबा इनू जहाँ पर बिल्कुल स्ट्रक है, पोलका डॉट जो रात मार्केट के पंप करने के साथ 45 सेंट पम्प कर चुका था, इस वक्त उसमें दोबारा से 36 सेंट की कमी हुई है। TRX जो हमारा रिकमेंडेड कॉइन है वो 08 इस वक्त 14 पे है, रात को 08.35 का हाई लगाकर दोबारा से 08.14 पर आया है। आपने इसमें एंट्री लेनी है 08.00 पे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों एवेक्स की बात करते हैं। तो एवेक्स 25.70 से रिवर्स गियर लगाकर 24.52 पे आया है, करीब $1.20 की कमी मज़ीद देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो अच्छी चीज़ है दोस्तों, हमारा रिकमेंडेड कॉइन अगर हम आप हमें पिछले काफ़ी अरसे से नहीं तो 15 दिन से भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको चेन लिंक मैंने रिकमेंड किया था 6.90 पे, $7 पे आज चेन लिंक मुसलसल पम्प करते हुए 8.38 पर पहुँच चुका है। और डेली अर्निंग करने वाले तमाम दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त यहाँ पर चीज़ देखने को मिल रही है कि यूनिस्वैप हमें कंटिन्यूसली ट्रेड दे रहा है, 5.05 पे जाता है और उसके बाद 5.40 पे जाकर इसे आप सेल कर दें
तो ये एक आपके लिए बेनिफिट होगा। पिछले 3 दिन से नॉन स्टॉप तो ये कंफर्म है कि यूनिस्वैप जो है इसमें ट्रेड कर रहा है, इवन कि मैं खुद उसमें ट्रेड कर रहा हूँ। सो ये मौका होता है दोस्तों कि जब आप किसी चीज़ को कान से पकड़ लेते हैं तो उसकी अर्निंग करने का आपको मज़ा भी आने लग जाता है। अब बात करते हैं नियर की, नियर 5.56 तक जा करके दोबारा 5.22 पर आया है और अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि मार्केट अपना अगला क्या रुख अख्तियार करेगी। इंशाल्लाह वो हम आपको इथेरियम और बीटीसी के कैंडल चार्ट पे जा करके बात करेंगे। और आज मैं आपको बताता चलूँ कि मार्केट ने उतना ही क्रैश लगाया जितना मैंने आपसे डिस्कशन की थी, यानी कि मैंने आपको $1500 तक के क्रैश की बात की थी, मार्केट ने 1300 का क्रैश लगा कर $400 रिकवर किया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने आपको अपडेट दी थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने सेम वैसा ही बिहेव किया। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे BCH को, $184 से रिवर्स होकर $5 की कमी 179 पर आया है और XMR 193 से इसने अपने अंदर $8 की कमी की है। अब यहाँ पर आपने इन दोनों कॉइन में आज ज़रूर ट्रेड करनी है, लेकिन इसका जो सिग्नल होगा वो मैं आपको वीडियो की जो हमारा अहम पार्ट होगा BTC का वहाँ पर जाकर के बताऊँगा कि आपने इन दोनों कॉइन में आज एंट्री कैसे करनी है। ऑटम फ्लो एक मरतबा फिर से डाउनफॉल का शिकार हो गए हैं और APE कॉइन जो है वो इस वक्त बड़ी देर बाद अपना आप छोड़ के 5.96 में एंटर हो चुका है। सुपर्ब कॉइन है दोस्तों, किसी भी वक्त अपना रिवर्सल मार के अपने अंदर पंप दिखाकर आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। अब बात करते हैं KCS की, 16.43 का इसने हमें कल हाई दिया, आज ये $16 पे हमें देखने को मिल रहा है। आप इसे आज भी 16 पे बाय कर सकते हैं और आज के दिन भी ईजीली आप ये 30-35 सेंट का आपको प्रॉफिट दे सकता है। मार्केट यहाँ पर क्रैश होती है तो ध्यान में रखिएगा कि आपने 3 स्टेप बाइंग करनी है। 3 स्टेप बाइंग के बगैर आप समझ लें, अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे, मान लें कि आपने मुझे फॉलो नहीं किया, आपका मेरी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आपने ट्रेड में 3 स्टेप बाइंग ना की एक बड़े गैप के साथ। क्या गैप होता है बाजू का, हम उसके ऊपर आपको सेपरेट वीडियो भी देते हैं ताकि आप खुद से कोई गलती ना कर पाएं। रून कॉइन की यहाँ पर बात करेंगे जो 3.20 का हाई लगाकर आज दोबारा 2.90 पे आया है। आप इसमें 2.90 पे एंट्री डे के 30-25 सेंट अर्निंग कर सकते हैं डेफिनेटली, इसके दरमियान ये ट्रेड हमें दे रहा है। और फैंटम की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, फैंटम अब स्ट्रक है, ओल्ड व्यूवर्स की इसके अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, लिहाजा मदीद इसमें इन्वेस्टमेंट ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि अब ये एक लंबे अरसे से 35 सेंट पे स्ट्रक है। जब किसी कॉइन में मूवमेंट आ ही नहीं रही तो आपने उस तरफ का रुख भी इख्तियार नहीं करना। 1000 के क्रैश के बाद पैनकेक स्वैप में कोई खासा क्रैश नहीं आया, पैनकेक स्वैप कल जहाँ पे खड़ा था आज भी वहीं पे है, बल्कि उससे बेहतर पोजीशन में है। कल रात को पैनकेक स्वैप 4.36 पे खड़ा था, मैंने आपको रिकमेंड किया था, और इस वक्त 4.50 पे है, मतलब 14 सेंट की आपको ट्रेड दे रहा है सेंट्स में, यानी कि अगर आप $100 की बाइंग करते हैं तो आप इसमें आसानी से $5 से $8 अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज़िल कॉइन की, ज़िल जो रात को मार्केट के पंप होने के साथ ज़बरदस्त पंप कर रहा था, लेकिन मार्केट जिसका रेजिस्टेंस मैंने आपको 31,500 पे स्टे करना बताया था, मतलब 31,500 पे स्टे करना, और वो सुबह के 5 बजे तक स्टे नहीं कर सकी, उसका रेजिस्टेंस टूट गया और उसके बाद हमारे सभी जो इधर के सिग्नल थे वो आपने डेफिनेटली नहीं लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको टाइमिंग वही दी थी। अभी भी ज़िल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्गली बिहेव कर रहा है, किसी भी वक्त हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। KSM जो रात को $70 पे मार्केट के पंप करने से पहुंचा, अब 66 पे आ चुका है, आप इसमें 65 में या 66 में एंट्री लेकर के आज की मार्केट में अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन बैकअप पे रखिएगा नेक्स्ट बाइंग का सामान, वरना आपके गले भी पड़ जाएगा ये कॉइन। यहाँ पर क्रिप्टो में दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि एक कॉइन आपको सदा ट्रेड देता रहे, हाँ ये एक फार्मूला है जो चल जाए काफ़ी देर तक तो चलता रहता है कि आपने अगर किसी कॉइन को नेक से ग्रैब कर लिया है तो वो आपको ट्रेड देता रहता है। अब बात करेंगे यहाँ पर GLMR की, जो कल दोबारा से 100 की लाइन में आ चुका था, आज 10 सेंट की कमी हुई है, 120 पे GLMR जा चुका है, और उसके बाद GLMR अब जो है 100 की लाइन से निकला है,
तो मैं समझता हूँ कि आप इसमें फिर से 3 स्टैम्प बाय करके अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं लूना की न्यूज़। तो दोस्तों ये वो न्यूज़ है जो मैं आपसे पहले भी शेयर करना चाहता था, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अब आप इस न्यूज़ पे ज़रा कान धर के सुन लें कि इनके ओनर की तरफ से क्या डबल मीनिंग वर्ड सुनने को मिल रहे हैं। टेरा लूना क्लासिक हैज़ नो फ्यूचर से टेरा फॉर्म लैब्स इनसाइडर। अब ये लैब्स इनसाइडर कौन से शहजादे हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने फिलहाल रिस्पेक्टिवली उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रखा है जी, कि लूना कितने पे आया और लूना जो न्यू है वो 5:39 पे पहुंचा। अब तक की दोस्तों ताज़ा खबर ये है कि टेरा लूना के ओनर अभी तक नाकाम हो चुके हैं, टेरा लूना 1 को बचाने में भी और 2 को बचाने में भी। मेरे नज़दीक इस वक्त 1 की जो कहानी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। अब 1% एक डाउट रह जाता है कि ये कुछ भी करके उसको किसी तरह अगर $1 पर लेकर आते हैं तो इनका अपना नुकसान होगा। इसीलिए इनका अपना नुकसान होगा कि दुनिया इस वक्त बैठी हुई है बकायदा एम लगाकर कि जी ये $1 पे जाए और हम किसी तरह कैश करा के इस कॉइन की तरफ थूकेंगे भी नहीं। दूसरी तरफ जो लूना 1 और 2 है उस पर भी लोगों का एतबार ख़त्म हो गया है। मान लें कि अगर किसी ने $50 का भी वो बाय करके रखा था, इवन के मैंने भी रिकमेंड किया था कि $50 से आपने ज़्यादा बाय नहीं करना, तो वो $50 से भी आज $15 पर चला गया है, यानी कि $35 उसमें भी नुकसान हो गया है। तो अभी तक की तमाम इनकी बकवास, इनकी तमाम बातें जो इंटरनेशनल पैनल पे हो रही हैं वो किसी काम की साबित नहीं हुई। टेरा लूना टोटली फ्लॉप हो चुका है और मैं आपको हमारी लूना 2 के लॉन्च होने के बाद उसी रात मैंने एक वीडियो आपसे शेयर की थी जो हम करते भी हैं, बाकायदा हमारी ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा होता है ताकि हम अपनी ऑडियंस को एक एक चीज़ की आगाही दें। तो दोस्तों टेरा लूना 2 के बारे में जब मैंने आपको रात को ही अपडेट दी थी मिड जो इवनिंग की हमारी वीडियो होती है कि इसमें आपने मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, 50 से ज़्यादा भी नहीं करनी, तो वो बात फ़िलहाल अभी तक तो सच हो गई। 31 मई का ये लॉन्च हुआ हुआ क्वाइन आज आपके सामने जून की जो भी तारीख है जेन में रखें, ये हमें सिर्फ लॉस दे रहा है। अब अगर रिकवरी भी करता है तो रिकवरी करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि ये $11 तक तो जाए। अब बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। बेस्ड ऑन द चैट लॉग्स वैलिडेटर्स टॉर्चा मैक्सिमलिस्ट एंड द PFC सेड देयर वर द सिग्निफिकेंट इशू विद द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द टेरा क्राइसिस। दे नोटेड टू द ड्यूरिंग दैट द मेल्ट इन एन इंटरव्यू सीरीज अ ग्रुप ऑफ द इंसाइडर रिवेलेटेड दैट द डू के वॉन द CEO टेरा लैब लैब्स यानी कि TEFL वॉज लीस्ट इन्वॉल्व इन द वार रूम इंस्टीट्यूटेड बिफोर द लॉन्च ऑफ द न्यू टेरा चेन टेरा 2। दोस्तों इस न्यूज़ का जो अगला पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है और मैं इसको जो मेन चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये इंकशाफ किया जा रहा है कि दे नोज के जो पहली ब्लॉक चेन थी वो बेकार हो चुकी है और उसमें इनके जो ओनर्स थे एक एक बात से आगाह थे, लेकिन उसको ऑन रखने के लिए बाकायदा बाइनांस के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया और आवाम को और उसके सरमाए को नुकसान पहुंचाया गया। इवन के वो बातें अब दोस्तों अपनी जगह पर रह गई, जो असल नुकसान है वो इस वक्त तक आज टेरा लूना 2 में देखने को मिल रहा है। मान लें कि ये $15 का भी हाई लगा देता है, किसी भी सूरत अब ये अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। मान लें ये $50 का भी हाई लगा देता है, सिर्फ फ़ायदा उसी को होगा जो एक मुद्दत से फंसा हुआ है। और वैसे भी हमारे एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक न्यू लूना में से 80% आवाम फिर से निकल गई है, फ़ायदा फिर इनका हो गया। लोगों ने बाय कर रखा था फिर से $10 पे, 9 पे, 5 पे, 6 पे, सारे के सारे घाटे में बेच के निकल गए। अब इसके अंदर पंप आ भी जाता है तो ये वही पंप होगा जो एक स्कैम जेन के लोग मार्केट में लेकर के आते हैं। तो मेरी ऐसी राय है दोस्तों कि अब आप टेरा लूना 1, टेरा लूना 2 को हमेशा के लिए खैरबाद ही कह दें तो बेहतर है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC और Ethereum के कैंडल चार्ट की तरफ। व्यूअर्स, नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। यहाँ पर हम सबसे पहले बिटकॉइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जिसमें अच्छी खासी कमी आई है और रेजिस्टेंस में अभी तक $1,000 का हमें क्रैश देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन इस वक्त हमारी स्ट्रॉन्गर जोन से भी निकल चुका है, यानी कि 30,500, और उसके अकॉर्डिंग इसमें $22 की कमी हो चुकी है, यानी कि $22 की। मज़ीद क्या सूरत हाल रह सकती है दोस्तों, वो हमने आपको मिडनाइट में आपको आगाही दे दी थी, बताया था आपको कि $1,000 से $1,500 तक का क्रैश देखने को मिल सकता है, लिहाजा 1,100 का क्रैश आ चुका है मार्केट में। जो यहाँ पर ख़तरे की निशानी है दोस्तों वो ये है कि यहाँ पर 2 कैंडल बन चुकी हैं ऐसी जो डायरेक्टली हमें ट्रेंड की दावत दे रही हैं कि बेरिश ट्रेंड मार्केट में आ सकता है अगर मार्केट 30,500 पे रजिस्ट ना कर सकी तो।
अब आगे बढ़ते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ और यहाँ पर देखते हैं कि सूरतयाल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर भी तकरीबन मार्केट 2 टाइम क्रैश लगा चुकी है, 2 टाइम क्रैश। एक जहाँ पर हमें बड़ी बिरिश मारुबुजू कैंडल देखने को मिली, स्लाइटली मार्केट ने फिर रिकवर किया, प्राइस ट्रेंड पर आई, प्राइस ट्रेंड से 30,300 के और 300 के बाद मार्केट फिर से दोबारा डाउनफॉल का शिकार होती दिखाई दे रही है। 2.87% का हाई देखने को मिल रहा है जबकि मिडनाइट में ये 5% पे जा चुका था। अब हमें आज के दिन दोस्तों कितना दोबारा क्रैश देखने को मिल सकता है तो उसके लिए हम फॉलो करेंगे इस ट्रेंड को। यहाँ पर हमें बैक साइड पे तकरीबन 3 घंटे पहले पाकिस्तान के यहाँ पर एक बिरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा था जो इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट में जो डायरेक्टली मार्केट जो है BTC की वो 29,500 तक जा सकती है, यानी कि बिल आहर उतना ही क्रैश कंसीडर हो जाएगा। लेकिन किस में? स्टेप बाय स्टेप। $2,000 का कल हुआ था, रिकवरी हो गई, अभी 1,000 का हुआ है, 1,000 की जो है कैपेसिटी अभी बाकी है। सो दोस्तों यहाँ पर हम इसकी कैंडल्स को जो फॉलो कर रहे हैं वो तो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन आज कुछ डेटाज मौसूल होंगे वो बिटकॉइन के प्राइस पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अभी इसकी रेगुलेशन को लेकर काफ़ी मसले फिर से जाग उठे हैं पूरी दुनिया में, खास करके अमेरिका में। तो जब तक रेगुलेशन का फड्डा चलता रहेगा बिटकॉइन की मार्केट इफ़ेक्ट होती रहेगी। अब ये कब रेगुलेट होगी ये बात कोई भी नहीं जानता, लेकिन हमने उस खबरों का इसके ऊपर जो इम्पैक्ट आता है उसे देखते रहना है और फर्दर डिटेल कर जो है हमने ट्रेड करनी है। अभी मार्केट में जो लास्ट कैंडल बन रही है दोस्तों बिल्कुल स्लाइटली डॉट के साथ, वो है इस वक्त बेरिश। तो मार्केट में मुझे 1,000 का क्रैश देखने को मिल रहा है। इस क्रैश को हम तब देखेंगे अगर मार्केट 30,500 पे रेजिस्ट ना कर सकी और 3 घंटे तक, यानी कि पाकिस्तान के 5:30 PM तक अगर मार्केट अपने इस लेवल पे रेजिस्ट ना कर सकी तो फिर ये टूटेगी और बहुत बुरी टूटेगी। और अगर ये 3 घंटे यहाँ पर काट जाती है तो आपके लिए बेनिफिशियरी जो कॉइन्स होंगे सबसे पहले होगा BCH, पैनकेक स्वैप और ज़िल कॉइन। ये 3 कॉइन आपको BTC के अकॉर्डिंग बाय करने पर इसके जो मैंने आपको जोन बताई है उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इथेरियम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जिसमें बहुत अभी तक चेंजिंग आ चुकी है। कल रात तक मार्केट का जो सपोर्ट लेवल था वो था 1729 और इस वक्त 1741 देखने को मिल रहा है, और 1873 से इसका रेजिस्टेंस लेवल चेंज होकर 1862 पे आया है और मौजूदा प्राइस 1805 पे देखने को मिल रहे हैं। आज दोस्तों आपने किसी और कॉइन में इथेरियम को देख करके ट्रेड नहीं लेनी, सिर्फ एक होगा BNB, एक होगा इथेरियम खुद। इथेरियम का जो मैं आपको प्राइस बताऊंगा उसी को फॉलो करके आप BNB में ट्रेड कीजिएगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि इथेरियम की जो हमारी बाइंग आज की बनती है होगी तो वो 3 स्टेप ही, लेकिन हमने उसमें एंट्री 1770 पे लेनी है वरना नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट में क्रैश जो है वो बिल्कुल रेडी है इथेरियम में आने के लिए, और जब ये क्रैश करता है आप जानते हैं फिर प्राइस का पता नहीं चलता। यहाँ पर दोस्तों हम लास्ट कैंडल्स की बात करेंगे, दोनों बड़ी ख़तरनाक कैंडल हैं। यहाँ पर हमें बिरिश हैमरहेड बनती दिखाई दे रही है इक्वली, नॉट इन द बूट। तो इक्वल पोजीशन पे आने की वजह से प्राइस लाइन इसकी बन रही है 1800 और ये 1800 के घर को कभी भी तोड़ सकता है। अब बढ़ते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ कि उसकी कंडीशन क्या बन रही है अब तक। तो दोस्तों 4 आवर की कैंडल चार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। 4 क्रैशेज हमें देखने को मिल रहे हैं 4 घंटों के अंदर। 1 इज दिस इज अ ट्रेंड, 2nd इज दिस इज नॉट ट्रेंड, और देन दिस तीसरा, और अब चौथे के बाद फिर 5वां। तो इसने क्या किया, हर दफ़ा मार्केट को नीचे लेके आता गया और रिकवरी कितनी हुई $5 की हमेशा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि बाउंसिंग बैग तो चलता ही रहता है क्रिप्टो में, यहाँ पर बाउंसिंग बैग क्या होगा? मुझे ऐसे लगता है कि इथेरियम 1750 तक का लो लगा सकता है आज की मार्केट में, अनएक्सपेक्टेडली 1720 भी हो सकता है, लेकिन बाउंसिंग बैक करेगा तो हमें $80 की मतलब $80 की ट्रेड दे सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी स्ट्रोंगर जोन क्या होगी। तो स्ट्रोंगर जोन है 1850, और अगर ये 18 पे भी खड़ा रह गया आज के दिन तो वो भी बड़ा एक खुश आइंद होगा, मतलब एक हैप्पी न्यूज़ होगी। लेकिन अगर ये 1800 को तोड़ता है और 1790 पे जाकर अगर ये 1 घंटा भी स्टे कर गया तो फिर इथेरियम मुसलसल क्रैश होगा। हमने क्रैश की परवाह नहीं करनी, हमारी 3 स्टेप बाइंग होगी, हम 3 स्टेप पे बाइंग कर सकते हैं, तो हमें
तीनों स्टेप का फ़ायदा होगा। तीनों स्टेप दोस्तों मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उसी को फॉलो कीजिएगा, हमारा वीडियो में जो टाइम है वो कंज्यूम होने से बच जाएगा। दूसरी बात, BNB को इस वक्त आप ट्रेड में दोबारा शामिल कर लें, जो उसके मसले मसाइल थे वो एक ही दिन के थे, बाकी सब क्या सराइयाँ थी। मज़ीद अगर कोई न्यूज़ होगी BNB को लेकर तो हम आपको उसकी आगाही ज़रूर देंगे। इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।